हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। गाइस, आज नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 8 की जो स्टार्टअप मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 4 करेंगे। इस चैप्टर का नाम है क्यूब एंड क्यूब रूट, आई थिंक। हाँ, क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स। तो सबसे पहले हम क्यूब का कंसेप्ट जानेंगे कि क्यूब क्या होती है। जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का क्या साइन होता है? जैसे सपोज कीजिए हमने 2 का स्क्वायर किया, तो ये इसका साइन होता है। यहाँ पर हम ऊपर 2 लिख देते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है कि 2 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। लेकिन जब हमको इसकी क्यूब निकालनी होती है तो क्यूब का साइन क्या हो जाता है? 3 आ जाता है ऊपर, और इसका मतलब होता है 2 को 2 से एक बार और फिर एक बार, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। इसका आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। ऐसे ही अगर 3 की क्यूब निकालनी है तो 3 को 3 से ही 3 बार मल्टीप्लाई हमको करना है। ये क्या आंसर आ जाएगा आपका? 27। 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसे ही 4 में होगा, या कोई भी नंबर हो उसको जब हमको क्यूब निकालनी होती है तो उसी नंबर को उसी से 3 बार ही मल्टीप्लाई करते हैं। स्क्वायर में 2 बार करते हैं, क्यूब में हम 3 बार करते हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 4 जा 16, 4 जा 64। जैसे हमको स्क्वायर से याद रखने हैं 30 तक, तो ये भी हमको एटलीस्ट 20 तक याद रखने हैं। आपकी बुक में गिवन है, एक बारी आप मेरे साथ साथ बोलेंगे, आपको इनमें से कुछ याद होंगी भी और कुछ अभी याद हो जाएंगी, और उसके बाद आपने इनको ढंग से एक बारी पूरा 20 तक एकदम अच्छे से याद रख लेना है। 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729, 10 की 1000, 11 की 1331, 12 की 1728, 13 की रहेगी 2197, 14 की हो जाएगी 2744, 15 की रहेगी 3375, 16 की रहेगी 4096, 17 की 4913, 18 की 5832, 19 की 6859 और 20 की रहेगी 8000। मेरी रिकमेंडेशन आपको ये है कि 20 तक अगर आप याद रख सकते हैं तो वेरी 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 गुड है। एटलीस्ट 20 नहीं तो एटलीस्ट 15 तक तो आपको किसी भी हाल में याद रखनी ही है। नो मैटर व्हाट, आपको 15 तक तो याद करनी ही है, और आप 20 तक आप कर लेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, एक्सरसाइज नंबर 4.1 से स्टार्ट कर देते हैं। बहुत कुछ ऐसा खास इसमें है नहीं, जो भी कंसेप्ट आएंगे हम साथ साथ में उनको कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ये आप खुद कर सकते हैं। 1 का ए पार्ट है, इसमें बोलते हैं कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये जो नंबर्स यहाँ पर गिवन है इनकी क्यूब निकालनी है। तो ए पार्ट है 18 की क्यूब क्या होगी? ऐसे हम लिखेंगे इज इक्वल्स टू 18 into 18 into 18। अब जिसको डायरेक्ट 18 की याद है वो तो सीधा लिख सकता है कि इसका आंसर क्या होगा, 5832। और जिसको नहीं पता वो फिर मल्टीप्लाई करेगा, पहले 18 को 18 से करेगा, फिर जो आंसर आएगा उसको फिर 18 से मल्टीप्लाई करेगा। तो इसमें क्या होता है, आप निकाल तो ऐसे भी सकते हैं, लेकिन एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऊपर से कहीं आपने मल्टीप्लाई में छोटी मोटी गड़बड़ कर दी तो पूरा आंसर आपका गलत हो जाएगा। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं कि 20 तक आप जो है क्यूब्स को याद कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूरे का पूरा ऐसे ही है, डजंट मैटर 231 है, तो 231 की भी क्यूब क्या होगी? 231 into 231 into 231। इसको 231 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो वेरी इजी कंसेप्ट है, आई होप कि आप खुद से कर लेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 3। 4 नेचुरल नंबर लिखने हैं हमको, फर्स्ट 4, और उसके बाद हमको वेरीफाई करना है कि जो क्यूब है नेचुरल नंबर की विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 7। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 3 के कोई भी 4 मल्टीपल लिख लीजिए, हम पहले ही 4 लिख लेंगे ताकि हमको कैलकुलेशंस करने में इजी रहे। तो 3 के पहला मल्टीपल 3 ही है, इसको आप छोड़ दीजिए। 3 का दूसरा मल्टीपल 6 होगा, तीसरा 9 होगा, और चौथा 12 होगा, और उसके बाद एक 15 होगा। मैं आपको एक वेरीफाई करके दिखाता हूँ। ये कह रहा है कि कोई भी नंबर जो 3 का मल्टीपल है, जैसे 6 है, इसका मल्टीपल है 6, तो जब हम 6 की क्यूब करेंगे तो 216 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 216 आ जाएगा। अब ये कह रहा है कि ये वेरीफाई करो कि जो 3 का जो मल्टीपल है उसकी क्यूब जो है वो 27 से डिवाइड होगी ही होगी, होगी ही होगी। तो ये इसमें वेरीफाई करने को बोल रहा है, तो चलिए वेरीफाई करते हैं। जैसे हमने 6 लिया था, 3 2 जा क्या होता है 6, 6 की क्यूब क्या हो जाएगी?
डायरेक्ट हम बता देंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा हमको, अगर याद है तो 216। और अब ये बोल रहे हैं कि ये वेरीफाई करो कि ये नंबर 27 से डिवाइड हो सकता है या नहीं। बिल्कुल हो जाएगा, ये 216 कहाँ जाएगा, 7, 6, 42, 27, 8 पे जाएगा आई थिंक। 7, 8 जा 56, 8, 2 जा 16 प्लस, हाँ जी, तो ये देखिए सीधा सीधा डिवाइड हो गया। अब ऐसे ही 9 का भी आप कर सकते हैं, 9 की क्यूब क्या होगी, 729। और जिसको स्क्वेयर से याद है उसको सीधा पता है कि 27 जा कितना होता है, 729 होता है। आप करके भी देख सकते हैं, और जिसने स्क्वेयर का चैप्टर अच्छे से किया है उसको पता भी होगा। ये देखिए 729। ऐसे ही आप 12 की क्यूब जब निकालेंगे तो वो भी 27 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। 15 की निकालेंगे वो भी डिविजिबल होगा 27 से। तो कंडीशन ये है कि वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, और जब 3 का मल्टीपल कोई भी नंबर हो जब हम उसकी क्यूब करेंगे तो वो 27 से डिवाइड होगी ही होगी, चाहे उसमें 3 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 12, 15, 18, 21, 24 या जो भी नंबर है 3 का मल्टीपल, उसकी जब क्यूब करेंगे तो वो किससे डिवाइड होगी, 27 से एकदम एग्जैक्टली डिवाइड होगी, यानी कि रिमाइंडर जीरो छोड़ेगी। तो वेरी इजी क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2 भी। क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के तरीके से है। इसमें क्या बोलता है, राइट द क्यूब्स ऑफ 4 नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। 5 के मल्टीपल की 4 नंबर हमको लेने हैं, एक 5 ले लीजिए, एक 5, 2 जा 10 ले लीजिए, एक 5, 3, यानी कि 5 के मल्टीपल्स होने चाहिए, 5, 4 जा 20 ले लीजिए। जब हम इनकी क्यूब्स करेंगे तो वो कह रहा है कि इनकी जो क्यूब है वो किससे डिविजिबल होनी चाहिए, 125 से। तो हम करेंगे तो 5 की क्यूब 125 से, ये तो सीधा डिविजिबल हो रही है, 1 ही आ गया। अब 10 की क्यूब क्या होगी, 10 की क्यूब होगी 1000। इसको जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो आप करके देख लीजिए, आंसर आएगा आपका 4। 15 की क्यूब जब हम करेंगे तो ये क्या आएगा, 3375। इसको 125 से करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। और 20 की क्यूब 8000 है, इसको भी जब हम 125 से डिवाइड करेंगे तो ये भी एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। ये जो डिवाइड वाला टास्क है ये आपने खुद से होमवर्क में करना है। अगर आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब आपने कुछ गलत किया है। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करें, क्वेश्चन नंबर 2 को भी और क्वेश्चन नंबर 3 को भी। वेरी इजी क्वेश्चन है, पेपर में शायद यहां से एक क्वेश्चन आ भी सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोलता है, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ये जो पैटर्न यहां पर गिवन है ना, इसको हमको ऑब्जर्व करना है, और उसके बाद ये जो यहां पर एक्सप्रेशन दिया है इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। देखिए क्या होता है, 1 की क्यूब इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब क्या होती है, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए इस पैटर्न को सबसे पहले हम वेरीफाई करते हैं। क्या बोलता है, 1 की क्यूब प्लस 2 क्यूब इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 की क्यूब क्या होगी, 1 होगी, 2 की क्यूब क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और 1 प्लस 2 की क्यूब क्या आएगी, सॉरी 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 प्लस 2 क्या होगा, 3, और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। तो 9 इज इक्वल्स टू 9। तो इसका मतलब ये पैटर्न तो हमको समझ में आ गया है। एक स्टेप चलिए और फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 प्लस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो देखिए 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8, 3 की क्यूब 27। तो 1 प्लस 2 3, और 3 प्लस 3 6, 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और ये क्या होगा, 27 और 1 28 और 8 36। तो 36 बिल्कुल सही पैटर्न है। तो अब इसी पैटर्न का यूज करते हुए हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस अप टू 10 की क्यूब। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 10 का होल स्क्वायर। ये सारे नंबर जितने भी गिवन है इन सबको आपने ऐड करना है और फिर उसका स्क्वायर कर देना है, सीधा आपका आंसर आ जाएगा इस वाले एक्सप्रेशन का, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल थी, इसके इक्वल थी। तो बिना इसको सॉल्व किए हमने इसको सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया हमारा। ये क्वेश्चन था, वेरी इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। आपने खुद से इसकी एडिशन कर लेनी है और स्क्वायर करके उसका आंसर निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 तो और भी ज्यादा इजी है। देखिए क्यूब का एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है, इसमें हमसे ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्यूब्स ऑफ ओड नेचुरल नंबर। ओड नंबर्स की क्यूब कौन सी है इनमें से। तो देखिए क्या होगा,
हम सबसे पहले मैं आपको इवन का कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे इवन नंबर कौन से होते हैं, 2, 4, 6, 8। जीरो को छोड़ दीजिए, चलिए जीरो भी ले लीजिए आप। 2 की क्यूब क्या होती है, 8 होती है। 4 की क्यूब क्या होती है, 64 होती है। 6 की क्यूब 216 और 8 की क्यूब 512 और 0 की क्यूब जो होगी 0 ही आएगा। तो कोई भी नंबर हो, अब यहाँ पर चाहे 118112654 इतनी की भी आप क्यूब करेंगे तो भी उसके लास्ट में क्या आएगा, यानी कि यूनिट डिजिट पे हरदम क्या ही आएगा, 8 ही आएगा। किसी भी हालत में 8 आएगा। आप इसकी क्यूब निकाल करके देख लीजिए, या 12 की निकाल करके देख लीजिए, या 32 की, बस लास्ट में अगर 2 होगा तो उसकी क्यूब के लास्ट में क्या आएगा, 8 ही आएगा। ऐसे ही 4 है, कोई भी नंबर हो, लाइक यहाँ पे 666684 है। अब इसकी भी हम इस पूरे नंबर की क्यूब करेंगे तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, हमेशा 4 ही आएगा। डजेंट मैटर नंबर कोई भी हो, 6 कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 6 आ रहा है तो उसकी क्यूब के लास्ट में क्या ही आएगा, हरदम 6 ही आएगा। 8 अगर आ रहा हो तो हरदम 2 ही आएगा, यानी कि 2 के लास्ट में 8 आता है, 8 के लास्ट में 2, 4 के लास्ट में 4, 6 के लास्ट में 6 और 0 के लास्ट में 0। अब जैसे 10 की जैसे हम स्क्वायर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1000 आएगा। 100 की करेंगे तो भी कुछ एक्स वाई जेड नंबर ऑफ जीरोज ही आएगा, लेकिन लास्ट में हमेशा क्या आएगा, 0 ही आएगा। आप इसको करके भी देख सकते हैं। अब देखिए जितने भी ओड हैं, यानी कि ये 8 वाला है तो इसके जो नंबर होगा, जब जो भी जिस भी नंबर की क्यूब है उसके लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। 2 तो ओड नहीं है तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, वेरी इजी है। और उसके बाद ई ऑप्शन भी इलिमिनेट हो गया क्योंकि 2744 लास्ट में 4 है, तो जिस भी नंबर की क्यूब है ये उसके क्या रहा होगा, 4 ही रहा होगा। और वैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता दूं, 2744 14 की क्यूब होती है, इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप याद कर लीजिए। तो देखिए ई भी इलिमिनेट हो गया, ना सी हो सकता ना ई हो सकता, बाकी जो बच गए एफ डी बी और ए, ये ही जो है ओड नंबर्स की क्यूब है। जैसे हम ओड नंबर की क्यूब के बारे में देखें, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 है तो उसकी क्यूब की लास्ट में भी 1 ही होगा। 3 की जैसे 27 आती है तो उसके लास्ट में 3 के लास्ट में 7 ही होगा। 5 का हमेशा 5 ही रहेगा क्योंकि 5 की क्यूब क्या होती है, 125, तो यूनिट प्लेस हमेशा उसमें 5 ही रहता है। 7 अगर किसी नंबर के लास्ट में है तो उसकी क्यूब के लास्ट में क्या आएगा, 3 आएगा। और 9 का हमेशा क्या रहेगा, 9 का 9 ही रहेगा क्योंकि 9 की क्यूब क्या होती है, 729। तो 1 के लास्ट में 1, 3 के लास्ट में 7, 5 में 5, 7 में 3 और 9 में 9। तो जैसे 3 में 7 आता है तो 7 में 3 आएगा, बाकी सब में सेम। 3 में 7, 7 में 3, बाकी सब में सेम। ऐसे ही इसमें था 4 में 4, 6 में 6, 2 में 8, 8 में 2, बाकी सब में सेम। 2 में 8, 8 पे 2, बाकी सब में सेम। ऐसे ही इसमें 3 में 7, 7 में 3, बाकी सब में सेम। आई होप कि अब ये ट्रिक आप कभी नहीं भूलेंगे, हमेशा आपको याद रहेगी। तो अब हम देख करके बता सकते हैं, देखिए वैसे तो हमको यही बताना है कि ये ओड नंबर की कौन कौन सी क्यूब है। उसका आंसर तो यही है कि ए पार्ट है, बी पार्ट है, डी पार्ट है और ई पार्ट है। और अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूं कि ये किस नंबर की क्यूब रही होगी, नंबर से मेरा मतलब है कि उस नंबर के लास्ट में क्या रहा होगा। ये नंबर की क्यूब तो पता नहीं किसकी है, मेरे को भी नहीं पता फ्रेंकली, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूं ये कोई भी नंबर था उसके लास्ट में क्या रहा होगा, 9 ही रहा होगा। क्या रहा होगा, 9 ही रहा होगा, क्योंकि 9 ही एक ऐसा नंबर है जिसकी क्यूब के लास्ट में क्या आता है, 9 ही आता है। 3 किसकी क्यूब के लास्ट में आता है, 7 की में आता है, क्योंकि 3 में 7 आता है और 7 में 3 आता है। तो मेरे को ये तो नहीं पता ये किस नंबर की क्यूब है, लेकिन मेरे को इतना ये जरूर पता है कि वो कोई भी नंबर होगा उसके लास्ट में या यूनिट प्लेस में उसमें 7 ही होगा। इसके लास्ट में क्या होगा, 2 होगा। इसके लास्ट में क्या होगा, 3 होगा। इसके लास्ट में 4 होगा क्योंकि 4 की क्यूब 4 ही, लास्ट में 4 ही आता है। और ये 7 जो है ये किसकी क्यूब के लास्ट में रहा होगा, 3 का कुछ नंबर रहा होगा और जिसके लास्ट में 3 आता है, ये उसी की क्यूब होगी। आप चाहे तो इनको निकाल करके भी देख सकते हैं वेरीफाई करने के लिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है, वेरी वेरी इजी है, एक बारी समझ लेना, अच्छे से समझ लेना और फिर इस चैप्टर में आपको कोई ज्यादा खास दिक्कत रहेगी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब, ये पूछ रहा है कि इनमें से परफेक्ट क्यूब कौन सी है। देखिए जैसे हम स्क्वायर का पता करते थे ना, कोई भी नंबर लिया, जैसे सपोज कीजिए 64 लिया, इसको हमने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कर देते थे हम, और फिर हम इसकी क्या करते थे, पेयरिंग करते थे। क्या करते थे, पेयरिंग करते थे।
जैसे एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, कोई भी अलग से नहीं बचा, तो इसका मतलब 64 क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे ही हम क्या करते हैं, क्यूब में करते हैं, क्यूब में हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं। सपोज कीजिए कोई नंबर है 125 ले लीजिए, ये किस पे जाएगा, 5 पे जाएगा, 25 आएगा, ये फिर से 5 पे जाएगा, फिर से 5 आएगा, ये 5 पे जाएगा तो ये 1 आएगा। तो इसका मतलब तीन का जोड़ा, तीन तीन की पेयरिंग हो रही है, तो एक जैसे इसमें दो में से एक बाहर निकल के आता था, ऐसे इसमें से तीन में से एक बाहर निकल के आता है। वैसे तो हमको देख के पता चलता है कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि कोई भी अलग से नहीं बचा है, तीन तीन की पेयरिंग हो गई है। तो हमको अगर स्पेसिफिकली ये पता करना हो कि ये किसकी क्यूब है, तो ये किसकी क्यूब है, तीन में से एक बाहर आएगा तो ये 5 की क्यूब है। तो चलिए बड़े नंबर्स के साथ हम करते हैं, ए पार्ट मैं आपको कराऊंगा और बाकी सारे पार्ट्स आपको खुद करने हैं। ए पार्ट क्या बोलता है देखिए, 1728, इसका प्राइम फैक्टराइज करिए, 2 पे जाएगा सबसे पहले, 28 या 16, 26 या 12, 864 आ जाएगा, ये 432 आ जाएगा, ये 216 आ जाएगा, ये आ जाएगा फिर आपका 10 और 8, ये आ जाएगा आपका 54, ये आ जाएगा आपका 27, ये आ जाएगा फिर से आपका 39 जा, ये 33 जा और ये 1। अब तीन तीन की पेयरिंग बनाइए, ये देखिए ये तीन दो थे, इनसे एक दो बाहर निकल के आ जाएगा, ये फिर से तीन दो हमको मिल गए, यहाँ से भी एक दो बाहर निकल, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ से एक दो बाहर निकला, यहाँ से भी एक दो बाहर निकला, मल्टीप्लाई में ही रहेंगे, और यहाँ से एक तीन बाहर निकला, तो 2 जा 4, 3 जा 12, और 12 की क्यूब क्या होती है, जिसको याद है उसको पता है 1728। तो ये क्या हम कह सकते हैं कि 1728 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब है। सपोज कीजिए यहां पर अगर एक 5 आ जाता, अब क्या होता, अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं रहती, क्योंकि इसकी हम पेयरिंग नहीं कर पाए। तो यही कंसेप्ट था क्यूब निकालने का, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको होमवर्क में करने हैं, और सारे करने हैं एक बार, तो कम से कम आप ये नहीं कि आप ए पार्ट कर ले फिर आप पार्ट कर ले, बहुत इजी है। प्राइम फैक्टराइज आपने करना है, और जितना आप मैथ करेंगे उतनी ही आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग होंगी, और उससे पहले सबसे पहले आपको ये क्यूब से एक बार ही लिख के याद कर लेनी है, तो चैप्टर आपका काफी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम करेंगे, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं, मैंने ऊपर ही बता दिया था। अब ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स आर द क्यूब्स ऑफ द नेचुरल नंबर, ये जो गिवन नंबर है इनमें से हमको ये बताने की नेचुरल जो इवन जो नंबर है उनकी क्यूब कौन सी है। देखते ही पता चलता है कि एक तो 5 वाली नहीं हो सकती, क्योंकि 5 कब आता है, जब लास्ट में नंबर के 5 होता है, तो ये बी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, और उसके बाद ई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि 1 किसके लास्ट में आता है, जब नंबर के लास्ट में 1 हो तब उसकी क्यूब करने पे लास्ट में 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर बी और ई एलिमिनेट हो जाते हैं। ए, सी और डी और एफ, ये चारों क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स की क्यूब हैं। और एक बात आपको और मैं ट्रिक बता देता हूं, और अच्छी ट्रिक बता देता हूं, कि इवन नंबर की जो क्यूब होगी वो हमेशा इवन ही होगी, और ओड नंबर की जो क्यूब होगी वो हमेशा ओड ही होगी। तो वैसे भी हम देख करके बता सकते हैं उस रूल से भी कि ए के लास्ट में क्या है, 4 है, तो ये इवन नंबर की है। 0 भी एक तरीके से आप इवन नंबर कह सकते हैं, 6 वाला भी इवन है और 8 वाला भी इवन ही है, तो इसको भी देख करके पता चल सकता है कि हम ये जो है ए, सी, डी और एफ जो है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर्स की क्यूब है। और अगर हम और स्पेसिफिकली करें, वैसे तो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है, लेकिन हम फिर भी एक बार कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 4, अब 4 इसके लास्ट में है, तो हम ये कह सकते हैं कि हम इसका परफेक्ट नंबर तो नहीं बता सकते, वो तो हम प्राइम फैक्टराइज करके ही बता पाएंगे या फिर हमको याद हो, लेकिन हम इतना जरूर बता सकते हैं कि ये किसी ऐसे नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में क्या रहा होगा, 4 रहा होगा, ये किसी ऐसे नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में 0 रहा होगा, ये किसी ऐसे नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में 6 रहा होगा, और ये किसी ऐसे नंबर की क्यूब है जिसके लास्ट में 2 रहा होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 to 7 मैंने आपको करवा दिए हैं, इसके बाद 8 to 17 क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, 20 तक आप क्यूब्स को है जो याद रख के रेडी रखिए, तब आप देखना कि ये चैप्टर आपको कितने अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।